राइस की इस तरह की प्रॉब्लम को चलिए हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानते हैं, जो अक्सर कंपटीशन एग्जामों में पूछी जाती है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डिजिट कॉमन होता है उसे हम उठा लेते हैं और उस डिजिट से हम क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। जैसे इनमें 5 कॉमन है, इसलिए हम 5 से क्लॉकवाइज घूमेंगे और उसे उसी क्रम में लिख देंगे। जैसे 5, 3, 1, यहाँ से हम भी क्लॉकवाइज फिर से घूमेंगे, 5, 2, 4। अब जो डिजिट हमें नहीं दिखेगा उसे हम 5 के नीचे लिख देंगे, जैसे 6 नहीं दिख रहा उसे हम नीचे लिख देंगे। और ये जो पेयर बन के तैयार हुए हैं ये सभी एक दूसरे का अपोजिट हैं, इसलिए 5 का अपोजिट 6 होगा, ऑप्शन ए। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी सेम उसी प्रकार की प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी ऐसे डाइस को लेंगे जिनमें सिंगल डिजिट कॉमन हो। जैसे कि इसमें पहले और तीसरे डाइस में सिंगल डिजिट कॉमन है जो कि 4 है। हम 4 से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो हम लिखेंगे 4, 5, 1। इसमें भी हम सेम इसी तरह करेंगे, 4, 2, 3। ये जो पेयर बने हैं 1, 3, 5, 2 एक दूसरे के विपरीत हैं, और जो डिजिट नहीं दिख रहा उसे हम 4 के अपोजिट लिख लेंगे, 6, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसलिए हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और इसमें हम ऐसे डाइस को उठाएंगे जिसमें सिंगल डिजिट कॉमन हो। यहाँ से हम डाइस सेकेंड एंड थर्ड ले सकते हैं। इसमें डिजिट 5 कॉमन है, यहाँ से हम 5 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, 5, 4, 6। इस डाइस में भी हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, 5, 1, 2। जो डिजिट हमें नहीं लिख रहा उसे हम 5 के नीचे लिख देंगे, 3। और जो जी पेयर बन के तैयार हुए हैं एक दूसरे का अपोजिट, इसलिए 3 के विपरीत 5 होगा, ऑप्शन बी।